नहीं 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 कैरी की कॉपी मत लिखना कमेंट में। चलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग फ्लिपकार्ट की कॉपी भी मत लिखना। तो कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरु जी की कॉपी नहीं लिखना यार, मेरे पास कोई अच्छा सा बोलने के लिए इंट्रो नहीं है, बता दो। तो आज हम करने वाले शुद्ध डिजिटल आर्ट बिगनरों के लिए। बिगनरों मैंने पता नहीं क्यों बोला लेकिन बोल दिया। तो पहले ब्रश, ये सब मैंने QR कोड से लाया, आप पे शायद से QR कोड ना हो, मैंने भी गूगल से लिया है, आप ले सकते हैं। तो फिर डिजिटल पेन इज़ द बेस्ट, लेकिन आप लोगों के लिए मैं सॉफ्ट पेन यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये काइंड ऑफ बिगिनर्स के लिए भी पेन है और आपको इससे इजी भी होगा स्टार्टिंग में हैंड करने के लिए। तो सबसे पहले जो होती है वो आती है अपनी फ़ोटो निकालो, देन उसकी आउटलाइन करो। देखो ये वीडियो बहुत लंबी होनी है और बहुत लंबी है, 1 घंटे के करीब की वीडियो, मतलब 1 घंटे क्या झूठ बोल रहा हूँ, टाइम लैप्स मारते हैं। हाँ तो यार मैं गाना इसलिए नहीं लगा रहा टाइम लैप्स में, क्योंकि YouTube भाव जो है वो बिना किसी रीज़न के मेरी हर वीडियो पर कॉपीराइट मार रहे हैं। तो जस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके वजह से YouTube भाव मेरे पर कॉपीराइट मार रहे हैं। तो चलो यार दोनों ये लगा लेते हैं। हाँ इरेजर सेट करना मत भूलना जो ब्रश यूज़ कर रहे हो, नहीं तो दिक्कत आएगी, मेरे को भी आती है अगर मैं इरेजर नहीं सेट करना बोलता हूँ। तो यार ये मैं अपने दोस्त के लिए बना रहा हूँ, उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। रिंझा तो स्पाइडरमैन बंदरों की तरह घूमते रहता है पेड़ों पे। देख अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना तो भाई प्लीज़ नीचे कमेंट कर दे यार, कोई कमेंट ही नहीं करता अपनी वीडियो पे। अच्छा छोड़ो यार, फिर अभी चलते हैं, मेरा गला पता नहीं अच्छे से नहीं हो रहा। और जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे इसकी पूरी ड्राइंग पोस्ट करके डाल दूँगा। अभी सीधे फेस बना रहा हूँ मैं, बाकी की आउटलाइन मैंने शायद से बना दिया, नहीं बनाई ऐसा मेरे को कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं वॉइस में वॉइस ओवर दे रहा हूँ यार, मैं कट कर देता हूँ तो मेरे को अच्छे से कुछ पता नहीं लगता है। हाँ मैं बीच में स्क्रीन रिकॉर्डर का भी कट कर देता हूँ यार, नहीं तो वीडियो सही में आराम से 1-2 घंटे की जानी थी, मेरी बहुत मेहनत लगी है। लाइक अभी आप टाइम देख लो, 10:46 हो रहे वीडियो में, और आगे का देखना यार, मतलब क्या बोलूँ। और हाँ स्पाइडरमैन इतना अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूँगा, ये ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा ना हो। और मैं ज़्यादातर 12-13 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैंने इस पर इतना फोकस नहीं किया। लेकिन जल्दी जाओ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी यार, जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो देखने के लिए कि इस नूबड़े ने कैसा बनाया। और गेमिंग वीडियो भी आएंगी, दरअसल मैंने एक नया गेम इंस्टॉल किया है, जेनिस गेनिस फेनिस डेनिस, सब्सक्राइब करो ना प्लीज़ गाइस। सॉरी जो भी गेम है कुछ है, जेनेसिस गेनेसिस पता नहीं यार मेरे को, वो एक ऐसा सा गेम है और वो लो हैंड डिवाइसेस के लिए नहीं है, सॉरी यार लो हैंड वाले, इट इज़ फॉर 6 and 4 GB। आई गेस 4 GB में अच्छे से नहीं चलेगा, उसमें क्या बोलो मतलब 10 GB की स्टोरेज चाहिए होती है इंटरनल डाउनलोड करने के लिए। मैं दरअसल डिजिटल पेन ट्राई कर रहा था बीच बीच में, ये डिजिटल पेन कैसे ये स्ट्रोक्स देता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल सॉफ्ट यूज़ करो, अगर आपने एक बार कोई यूज़ कर लिया ना तो फिर आपको दूसरे में टाइम लगता है। मैं डिजिटल पेन बना अच्छा यूज़ करता था, सॉफ्ट में मेरे को थोड़ा देखा मैंने, मैं जल्दी सीख गया सॉफ्ट और फिर हो गया। तो यार मेरे को नहीं पता कि मैंने 4x से हटाई है कि नहीं, मेरे हिसाब से अभी भी 4x ही चल रहा है, क्योंकि यार क्या बोलूँ मैं, ये जो काइन मास्टर है ना, तो सर बीच बीच में मैं 2 मिनट से ज़्यादा वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो यार ना चाहते हुए मेरे को मेरी वॉइस थोड़ी अनप्रोफेशनली देनी पड़ती है। हाँ मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन ट्राई की आपसे बेस्ट से बेस्ट वॉइस ओवर वीडियो निकालने की, लेकिन मेरे से कुछ निकल नहीं पाई, क्योंकि नहीं हो पाया, नहीं हो पाया यार, मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं सोच रहा था इसी में कलर दे दूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा नहीं
क्या भाई दोबारा थोड़ी ना मीम लगा सकता था मैं। चलो अब नॉर्मल कर देते हैं वन एक्स पे। अभी मैंने बहुत लेयर ऐड कर दिया क्योंकि मेरे को पता है मैं अभी हम जाएंगे इसको 100 पे कर देंगे और कलर चूज कर लेंगे। आप चाहो तो अपने आप से भी कस्टम कलर का बना सकते हो, वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हो सके तो मैं किसी दिन बनाऊँगा कस्टम स्पाइडरमैन एंड आयरन मैन फ्यूजन। अभी तो मैं इतना प्रो नहीं हो पाया हूँ। हाँ यार नहीं हो पाया, क्या है कि ना आप लोग लाइक नहीं करते हो। अगर आप लाइक करोगे ना तो मैं इतना प्रो बन जाऊँगा कि किसी ने सोची ना होगी। भाई थारा भाई जोगिंदर का भूत अभी भी चढ़ा है मेरे को। जी हाँ इतना प्रो जाऊँगा किसी ने सोची ना होगी। थारा भाई विदेश, क्या थारा भाई विदेश, क्या इतना प्रो बन जाएगा, क्या इतना प्रो बन जाएगा, क्या किसी ने क्या ना होगी, रुक क्या ना होगी, किसी ने सोची ना होगी। हाँ, मैं विलेजर जैसी एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ। हाँ जल्दी चिरकुट का, एक्चुअली मैंने चिरकुट से नौकरी से निकाल दिया, वो मेरी माइनक्राफ्ट की जॉब में था। कमेंट में स्पैम कर दो अगर आपको चिरकुट वापस चाहिए, वी नीड चिरकुट। देखा जाएगा कि चिरकुट आएगा, क्योंकि भैया जी जैसे मैंने निकाला ना उसकी पचपन स्टार्ट हो गई, 2000 रुपये मांग रहा है। अब आप सब्सक्राइब लाइक तो करते नहीं हो, ये ग्राफी देखा सब इडियट्स, सॉरी इडियट बोलने के लिए सॉरी, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना। और भाई URO जिन्होंने भी सब्सक्राइब करके रख, URO यार तुम सही में ऑसम हो जिन्होंने भी सब्सक्राइब करके रखा है। तो चलिए नहीं शुरू करते, शुरू हुआ है ख़त्म करते हैं, ठीक है यार। तो फिर इसको पहले बुझाना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा। और आपको बड़ा एरिया फिल करना है तो आप बकेट यूज़ कर सकते हो एज यू ऑल नो। अगर आपने कभी प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा, MS Media कोई भी किया होगा, तो फिर होता है बकेट। और हाँ यार थोड़ा तैयारी चल रही है फेस कैम के साथ वीडियो के लिए भी, पता नहीं कब आ जाए फेस कैम के साथ वीडियो, तो बने रहना चैनल पे यार, देखते हैं। वैसे तो मैंने फेस रिव्यू बड़ी जल्दी कर दिया, 50 मिलियन सब पे करना चाहिए था। कोई नहीं यार जोड़ो 50 मिलियन, आप कहाँ ले जाओगे यार, ले जा दो प्लीज़ भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ भाई, दिल से अच्छा लगता है अगर 50 मिलियन पहुँचा दोगे। प्लीज़ भाई सॉरी। ईयरफोन लगाना आवश्यक है। और हाँ ये नहीं समझ आया तो कैरी भैया से ही सुन लो डिस्क्लेम। तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। भाई कैरी भैया ने कह दिया, और अगर अभी नहीं डालना है तो आपके रिस्क पे देखो कान वान फट जाएंगे। वैसे ही फैमिली फ्रेंडली चैनल है डोंकालिया। भाई कैरी भैया ने कह दिया यार, कैरी भैया के साथ कोलैब वीडियो कुछ भी। भाई क्या ही तो स्कैम की म्यूजिक है बिगर, पता नहीं मैंने क्या मैच किया है, लेकिन हाँ यार सही में गंदे वाला स्कैम कर लिया कैरी मिनाटी के साथ कोलैब करके कुछ भी। क्या बोल यार, मीम नहीं है भू से वाजरी काली बड़े, पता है मीम क्यों नहीं है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे को नहीं पता क्या लॉजिक है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करती हो। चलो भाई 2 टके की हो गई ओवर एक्टिंग। अब यार देखो मेरा बहुत मेहनत लगा है, मतलब मैंने पहले ड्रॉ किया देन कलर किया देन दोबारा से ड्रॉ किया, तो यार अब सोच रहे होगे अबे पागल है क्या, पहले ही कलर कर लेता तो अच्छे से लाइन दिखते नहीं, और मैं भी अभी बिगिनर हूँ, खुद बिगिनर होके आपको सिखाने चला। एडिटिंग महाशय ने बचा ले रही, तो अभी फ्रेंडली फैमिली के जगह कौन सा चैनल बन जाता है यार। चलो यार फिर जल्दी से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ हो गया है कलर करते हैं। एज यू कैन सी कलरिंग में बहुत टाइम लगता है यार, मतलब देखो कितने हो रहे हैं भाई, 12 हो रहे हैं, और मैंने वीडियो कब स्टार्ट की थी याद है ना, 10:45, और अभी 12:30 होने वाले हैं यार, मतलब कितने टाइम का। हाँ बीच में मैं कहीं थोड़ा वोड़ा गया हूँ,
लेकिन हाँ यार, कितने मेहनत लगी है टाइम की, मतलब मैंने 2 घंटे इन्वेस्ट किए, बीच में मैं गया हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो बनानी नहीं छोड़ी क्योंकि मैं काम से गया था, लेकिन फिर वीडियो बनाना छोड़ देता तो आपको वीडियो नहीं मिलती। और आप प्लीज़ मेरी पिछली वाली माइनक्राफ्ट की वीडियो शायद से आपको अच्छी लगी थी, माइनक्राफ्ट कंटिन्यू, ऐसे मेरे को कमेंट आए थे, जस्ट मैं वो लिस्ट पिक करने गया था, वो सब्सक्राइब और नॉट सब्सक्राइब तो दिखा यार, ऐसे ही मोटिवेट करते रहा करो, अच्छा लगता है। तो फिर यार जल्दी इस ड्राइंग को कंप्लीट करते हो। और हाँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि ये एकदम फुली फ्रेश ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है, इसमें मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ डू यू कलर, ऐसा आप बेसिक सीख चुके हो तो आपके सामने दोबारा से पूरी ड्राइंग ड्रॉ करने का आई गेस कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप सीख चुके हो, बड़ी जगह को बकेट और बकेट का वो भी कर सकते हो कम, ये जल्दी से मैंने स्किप मार के कर दिया है यार, क्योंकि मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता। अब थोड़ी सी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, नॉट डैट मच, जो मैंने शायद ख़त्म भी कर दी। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि यहाँ पे अच्छा नहीं है, आप पता है क्या कर सकते हो, या तो वहाँ पे चेंज कर सकते हो आप ओबैक्सिटी, जो मेरे को उस टाइम पे याद नहीं रहा, सॉरी, लेकिन आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहा करो यार, अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कर दिया है इस वीडियो को बोर एक्स, तो चलो मज़े लेते हैं इसके। हाँ तो यार, गाने के बिना वो फील नहीं आती, इसलिए मैंने गाना ऐड कर दिया। अरे पता नहीं क्या यार, गाना आज के प्लीज़ मेरे को ढंग से रिकॉर्ड कर दे, सॉरी, मैं जल्दी कुछ ना कुछ करता हूँ, या तो एडिटर चेंज करके, या तो कुछ ना कुछ मैं करूँगा यार। आपको ऐसे अननोन क्वालिटी का अच्छा नहीं लगा होगा यार, गाना मैंने बीच में थोड़ा 50% वॉल्यूम पे चला दिया है, वो कॉपीराइट ना यार, यूट्यूब भाव तो हर एक वीडियो में कॉपीराइट ही चेपते रहते हैं यार। भाई देख, अगर तू यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, सॉरी रिस्पेक्ट श्री 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 यूट्यूब जी, कुछ ना कर दे प्लीज़ मेरे चैनल को, है भगवान बचा लो भाई, भगवान बचा लो। हाँ तो यूट्यूब, अगर देखो यार, मेरे को पता है मैं नहीं देखेंगे, लेकिन प्लीज़ अगर आप देखो तो प्लीज़ मेरे को वजह बता दिया करो यार, मैं इतना छोड़ देती हूँ, मेरे को बताएंगे भी नहीं यार, क्योंकि मैं बिना वीडियो के यार इतनी मेहनत करती हूँ किस लिए यार, मतलब जिससे काई मास्टर पहले तुम्हारा ऑडियो रिकॉर्ड ना हो रहे थे और उसके बाद तुम्हारी यूट्यूब पे कॉपीराइट क्लेम करवा दे, यही तो चाहिए। अब मेरे यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक करवा के चैनल ही हटा दो। अरे मेरी सही बात, कौन पसंद आए कि नहीं आए प्लीज़ बता देना, मेरे बहुत ही मेहनत किया है, दो टके की एक्टिंग हो गई, अभी वीडियो भी करते हैं। तो यार चलो फिर, यार आपको वो ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो यार मैं वीडियो नहीं डाल रहा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, और डिटेल मैंने आधा दी नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे डिटेल के साथ पोस्ट कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे।